हेलो गाइस, दिस इज लोकेश। ठीक है, हम बात कर रहे थे, देखिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट के बारे में। ठीक है, उसकी इक्वेशन देखी थी, डिपेंडेंसीज देखी थी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा फोर्स, उसकी इक्वेशन मैग्नीट्यूड किस तरह से होता है, वेक्टर फॉर्म उसे किस तरह से लिखा जाता है, उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है और कहां से डिराइव होती है, इन बातों पर हमने डिस्कशन किया था, एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे, देखिए कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और ठीक है जनरल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे हम। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ इस ठीक है सीरीज में जो हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है गाइस, वो मैंने यहाँ पर नोट करके रखी हुई है ऑलरेडी, आप देखिए इसे हम रीड आउट करते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स है यहाँ पर वो कितना है, सपोज यहाँ दे रखा है एफ। अगर मीडियम की बात नहीं कर रखी है इस पॉइंट तक, तो आप मान के चलिए कि ये मीडियम एयर या वैक्यूम है, क्लियर है। तो फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज एफ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर। यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर। इफ बोथ दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक, इन दोनों चार्जेस को किसी ऐसे मीडियम में रख दिया गया है जहां का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं गाइस, उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन आर, देन एट व्हाट डिस्टेंस दीज चार्जेस बी प्लेस्ड इन अ मीडियम टू गेट द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज अर्लियर। मतलब जिस दूसरे किसी मीडियम में जिन दोनों चार्ज को रखा गया है उन्हें कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि वहां पर आने वाले फोर्स की वैल्यू वही आए जो हमें पहले मतलब एरिया स्पेस में फ्री स्पेस में मिली थी, ये हमारा क्वेश्चन है गाइस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो देखिए। जो हमारी अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में बात करेंगे, मीडियम में रखने से पहले बिफोर, ठीक है, मतलब इन एयर, एयर के अंदर या जब ये एयर या फ्री स्पेस में दोनों चार्जेस है तो इनके बीच का जो फोर्स था, सपोज मैं मान लेता हूं उसकी वैल्यू थी एफ वन, और उस एफ वन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, क्लियर है गाइस। एयर के अंदर दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, क्लियर। और जब इसे इसको भी मैं r1 दे देता हूं वो ठीक रहेगा, और जब इसे मीडियम में रखा जाता है, इन एनी मीडियम, जब इसे किसी दूसरे मीडियम में रखा जाता है तो वहां पर जो ये फोर्स है वो परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से चेंज हो जाएगा, जो कि कितना आएगा q1 q2 अपॉन r2 स्क्वायर। अगर मैं r1 की बात करूं तो सपोज कर लीजिए अगर मैं कोई चीज चेंज नहीं करता, मतलब ना है तो मैग्नीट्यूड चेंज करता हूं ना ही डिस्टेंस चेंज करता, तो ऑब्वियसली मेरा जो फोर्स है उसकी वैल्यू में फर्क आ जाएगा, अफेक्ट होगा, क्यों होगा, ड्यू टू परमिटिविटी क्लियर ऑफ मीडियम की वजह से। बट यहां पर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपको सेम वैल्यू चाहिए, मतलब जो वैल्यू अर्लियर मिली थी आपको फोर्स की वही वैल्यू आपको किस में भी चाहिए, इस मीडियम वाले केस के अंदर भी चाहिए, तो उसमें फिर किस चीज को आपको करेक्ट करना पड़ेगा गाइस, डिस्टेंस को, क्लियर है। तो यहां पर अगर मुझे यही वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिएगा यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 must be equal to F2, दोनों फोर्सेस की वैल्यू, मतलब एयर में फोर्स की वैल्यू और मीडियम में फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, तो उसमें किस चीज को हमें वेरी करना पड़ेगा गाइस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हम यहाँ वेरी नहीं कर सकते, हम जो वेरी करेंगे वो वेरी करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस को। तो चलिए यहाँ पर F1 की वैल्यू है q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r1 square is equal to q1 q2 upon 4 pi, एप्सिलॉन एम की जगह मैं लिख सकता हूं epsilon r epsilon naught r2 square। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है गाइस, क्लियर, क्यों, क्योंकि हम एप्सिलॉन एम को epsilon r into epsilon naught के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, ये हमने पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, क्लियर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम की जगह हम पुट कर देते हैं epsilon r into epsilon naught। अब देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर दी है, तो q1 q2 4 pi epsilon naught कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा गाइस, 1/r1 square इज इक्वल टू 1/epsilon r r2 square। यहां से r2 square की वैल्यू क्या आएगी गाइस, r1 square upon epsilon naught। r2 square क्या है, ये वो डिस्टेंस है आपके मीडियम के अंदर दो चार्ज के बीच में जहां पर आपको ये दोनों फोर्सेस क्या मिलेंगे, इक्वल। तो यहां से हमारे पास में r2 square की वैल्यू आ रही है r1 square epsilon r। तो अगर आप इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आई होप आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से R2 हो जाएगा हमारा R1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एप्सिलॉन R।
दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, एप्सिलॉन आर है ये, कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेकर के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही अच्छी इफेक्टिव प्रॉब्लम है गाइस, आप देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, एयर के अंदर चार्ज के बीच में फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और किसी मीडियम में चार्ज के बीच में फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2 स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, R2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए तो आपकी जो डिस्टेंस है मीडियम के अंदर चार्ज के बीच में वो क्या होगी, तो हमने वैल्यूज पुट करके यहाँ पर इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर R2 आया है वो है R1/√εr। क्लियर, आई होप यू गेट द क्वेश्चन, यू गेट द आंसर क्वेश्चन राइट। ठीक है, देखिए नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा इसी सीरीज में सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस वो है, देखिए, If attraction force between two similar charges is capital F and if 25% charge of one is transferred to other, then what would be the force between these charges? Clear है? इसका मतलब देखिए, क्वेश्चन समझते हैं पहले कि दो चार्जेस हैं, कोई दो सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलर चार्जेस का मतलब क्या है, जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो कैपिटल एफ है। क्लियर, अब गाइज यहां पर देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में सॉल्यूशन बन जाना चाहिए। देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स दो चार्ज के बीच में अगर कैपिटल एफ है, इसका मतलब सिमिलर चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर एक क्यू होगा तो दूसरा भी क्यू होगा। बट अट्रैक्शन फोर्स कब होगा गाइस, जब दोनों अनलाइक चार्ज होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों चार्जेस कैसे होंगे, अनलाइक, वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। क्लियर, तो यहां तक ये चीज क्लियर हुई हमें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कह रहा है, देखिए 25% चार्ज ऑफ वन, मतलब किसी एक चार्ज का 25% जो है वो दूसरे चार्ज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली इनकी जो मैग्नीट्यूड होंगे वो डिफर हो जाएंगे प्रीवियस केसेस से। तो उस केस में यहां पर जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, हमें यहां पर प्रेडिक्ट करने की जरूरत है। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। चलिए, तो इसके एक पार्ट की बात तो हमने कर रखी है। सपोज इसका जो प्रीवियस केस है, क्लियर है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, जहां पर कैपिटल फोर्स जो फोर्स है यहां पर कैपिटल एफ है, उसका इक्वेशन हम बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यहां पर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन है जहां पर दो चार्जेस, अच्छा दो सिमिलर चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 की बजाय मैं यहां पर क्यू स्क्वायर लिख लेता हूं गाइस, क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रीवियस केस हो जाएगा हमारा। अब ये क्या बोलता है कि किसी एक चार्ज में से 25% जो है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए यहां पर दोनों चार्जेस को हम रख लेते हैं, ये भी क्यू है, ये क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये माइनस क्यू है। सपोज करता हूं इसका, इसमें से गाइस 25% जो है वो कहां चला गया है, माइनस क्यू को ट्रांसफर कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, तो इस क्यू का 25% कितना होगा गाइस, आई थिंक क्यू बाय 4 आप इसको फाइंड कर सकते हैं, उस वो इसमें से हमें माइनस कर देना। तो क्यू माइनस क्यू बाय 4, इसमें से 1/4 पार्ट जो है इस चार्ज का वो क्या हो गया, माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो यहां पर क्या वैल्यू बचेगी, आई थिंक 3Q/4, आप सबको समझ में आ रहा है, इसका आरसीएम लेंगे तो 3Q/4। तो यहां पर अब जो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बच जाता है 25% ट्रांसफर होने के बाद, वो बच जाता है हमारे पास 3Q/4। आइए अब नेक्स्ट चार्ज की कंडीशन देखते हैं कि दूसरा जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, जब वो 25% ऑफ चार्ज एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है। यहां पर देखें, माइनस क्यू पहले से था, प्लस इसके पास में क्या आ गया, Q/4। ये Q/4 वही है जो पहले वाले चार्ज से ट्रांसफर होकर के यहाँ आया। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ गाइस, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, आई थिंक 3 - 3Q/4, आपको समझ आ रहा होगा, ये आ जाएगा -3Q/4। तो देखिए 25% चार्ज ट्रांसफर होने के बाद में हमारे जो दोनों चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड अगेन सेम आया, लेकिन प्रीवियस केस से अलग आया है। क्लियर है, ये आया 3Q/4 एंड दिस वन इज -3Q/4। क्लियर है गाइस, तो अब इस केस में यहां पर जो फोर्स हो जाएगा, सेकेंड पार्ट अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां पर जो फोर्स आएगा गाइस वो आएगा F-F' becomes K 3Q/4 into 3Q/4। साइन लेने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको, क्योंकि हम यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहां पर आपको माइनस साइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस अभी भी वही है आर एस पर, तो F' की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई थिंक अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 9K, स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू में रखें इसको, 9
के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 16 आर स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन टू और इक्वेशन वन का डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आपके पास में एफ डैश की जो वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी 9/16, ठीक है। ये आपका नया फोर्स हो जाएगा, एफ डैश बिकम्स, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे एफ डैश को, एफ की वैल्यू क्या आएगी 9/16, समझ में आ रहा है आपको, सिंपल डिवाइड करना है। और यहां से अगर मैं एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा एफ डैश बिकम्स 9/16 ऑफ एफ, दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। तो हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उसको मैं रीड करता हूं, ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अ कॉपर एटम कंसिस्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 29 इलेक्ट्रॉन्स, द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। Take two pieces of copper, each weighing 10 gram. Let us transfer one electron from one piece to another for every 1000 atom. Clear है? इसको अगर आपको problem आ रही है तो मैं इसको 1000 लिख देता हूँ. For every 1000 atoms in a piece. What will be the Coulomb force between two pieces after the transfer of electrons? Clear है? When they are at 10 centimeter apart. और नीचे कुछ constants हैं उनकी values दे रखी है. Clear guys? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कॉपर पीसेस हैं ईच ऑफ 10 ग्राम, हर एक दोनों का जो मास है ठीक है वो कितना है 10 ग्राम है, और कॉपर का एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर बेसिकली वो आपको गिवन है। हर 1000 क्या कह रहा है देखिए, लेट अस ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन ठीक है फ्रॉम वन पीस टू अनदर फॉर एवरी 1000 एटम, मीन्स 1000 एटम्स जो कॉपर के हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके दूसरे पीस में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब पूरे 10 ग्राम ऑफ पीस जो है कॉपर का उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अकॉर्डिंग निकल करके दूसरे पीस में चले जाएंगे गाइस, 10 ग्राम के जो दूसरा वाला कॉपर पीस है उसमें, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इम्बेलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से दोनों कॉपर पीसेस जो है वो चार्ज हो जाएंगे। और जब ये दोनों कॉपर पीसेस चार्ज हो जाते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज से तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो गाइस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इस केस में इस कंडीशन में उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्लियर है, देख लीजिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, मुझे इसे रब करना पड़ेगा ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज बोर्ड की जो साइज है हमारी वो थोड़ी सी लिमिटेड है। चलिए तो मैं इसे रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से नोट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए तो हमारा जो सोल्यूशन है यहाँ पर वो देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो आपको यहां पर दे रखा है कि जो वन मोल ऑफ कॉपर जो है उसका एटॉमिक वेट जो है वो कितना है 63.5 ग्राम। एक मोल कॉपर का एटॉमिक वेट या वेट जो है वो कितना है गाइस हमें पता है 63.5 ग्राम। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री काम आएगी हमारी, केमिस्ट्री के कंसेप्ट जो हमारे हैं वो काम आएंगे यहां पर। वन मोल ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम, देयरफॉर वन मोल ऑफ कॉपर ऑल्सो हैव 6×10^23 एटम्स, ये भी आप जानते होंगे क्लियर, विच इज इक्वल्स टू एन एवोगाड्रोस नंबर। फिर एक मोल कॉपर में जो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 6×10^23। चलिए तो देयरफॉर 10 ग्राम ऑफ कॉपर हैज, ठीक है 10 ग्राम कॉपर के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे, क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर क्या यूनिटरी मेथड हो जाएगा गाइस, यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6×10^23 डिवाइड बाय 63.5×10। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, यूनिटरी मेथड से मैंने फाइंड किया है 63.5 ग्राम में 6×10^23 एटम्स है तो 1 ग्राम में 6×10^23 बाय 63.5 और 10 ग्राम में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी हमारी ये कुछ सॉल्व करने पर आएगी गाइस 9.45×10^22। क्लियर है, तो 10 ग्राम ऑफ कॉपर, 10 ग्राम का जो कॉपर का पीस है उसके अंदर कॉपर एटम्स की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास में आ चुकी है अब कितनी 9.45×10^22। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में
चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कहता है हमें कि यहां पर हर 1000 एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पीस से निकल करके दूसरे पीस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, हर 1000 एटम्स में। हमारे पास में यहां पर दिखाई दे रहा है कि 1000 से ज्यादा है किसी भी एक पीस के अंदर एटम्स की क्वांटिटी। तो देखिए यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, क्या हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? यस, हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पीस टू अनदर कितने होंगे गाइस? यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं दोबारा से, कैसे कि 1000 एटम्स पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1/1000। तो यहां पर हमारे पास में कितने एटम्स हैं? 9.45×10^22 में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे? 1/1000×9.45×10^22। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 1000 एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एक एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 1/1000। देयरफॉर 9.45×10^22 एटम्स में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे? ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो है हमारे पास में वो आ जाएगी 9.45×10^19। आई थिंक बिल्कुल 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वैल्यू आ गई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन पीस टू अनदर। अब अगर एक पीस में से 9.45×10^19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पीस में इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और दूसरे पीस में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो दोनों में से एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। आई होप यू गेट इट क्लियर है। और इन पर कितना कितना चार्ज होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है, हमने वो पढ़ रखा है प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q=ma। तो अब हम चार्ज की कैलकुलेशन कर लेते हैं गाइस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां पर चार्ज ऑन ईच पीस, चार्ज डेवलप ऑन ईच पीस की वैल्यू Q=ma वाले फॉर्मूले से आएगी हमारे पास में। ये हो जाएगा गाइस, n की वैल्यू होगी यहाँ पर 9.45×10^19, 1.6×10^-19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 19 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कुछ 15.12 कूलम हमारे पास में वैल्यू आएगी। तो दोनों ही पीसेस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद में इतना इतना चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। जब क्यू की वैल्यू आ गई तो हमारे पास में कुछ भी ठीक है रिमेनिंग नहीं बचता है। दोनों के बीच में जो फोर्स है ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कुछ इस तरह से हो जाएगा F=K Q1 Q2/R2। K की वैल्यू क्या होगी गाइस? K की वैल्यू 9×10^9। Q1 कितना? 15.12×15.12 डिवाइड बाय, दोनों के बीच में सेपरेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है विच इज 10 cm, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10^-2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये वैल्यूज पुट कर ली हमने यहाँ पर, वैल्यूज पुट करने के बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्लियर है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको कुछ अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है 2.06×10^14 न्यूटन कह रहा हूं। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेट दिस। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो किस तरह से है। A point charge small q is situated at a distance small d from one end of a thin non-conducting rod. अब यहाँ पर जो देखिए नई बात यहाँ पर समझने वाली है कि एक तो है हमारा point charge जिसका magnitude है small q, but अब उसकी जगह दूसरे point charge की जगह जो यहाँ पर है ये आ गई है conducting rod, फिर है ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैविंग अ चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब यहाँ पर एक लेंथ एल कैपिटल एल लेंथ की रॉड है
जिस पर यूनिफॉर्मली कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम. अब हमें गाइज यहां पर क्या करना है कि एक एल लेंथ की रॉड जिस पर यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उससे कुछ डी डिस्टेंस पर, स्मॉल डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज लोकेटेड है क्यू, इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है. क्लियर है. तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है हमारा. जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम यहां बना लेते हैं, एक हमारी है यहां पर रॉड कुछ इस तरह से. देखिए ये हमारी रॉड है गाइस. क्लियर. और इस रॉड से कुछ डी डिस्टेंस पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू लोकेटेड है और इस रॉड की जो लेंथ है वो हमें गिवन है कैपिटल एल. क्लियर है. इस रॉड पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या है कि इस रॉड के हर इक्वल पार्ट पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पूरी रॉड का कंप्लीट चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है. तो यहां पर अब ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज की कैटेगरी में नहीं आता. क्लियर. तो अब हमें इस रॉड और इस पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है. तो यहां पर जो नई अप्रोच यहां में काम में लेनी है वो लेनी है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट की. क्लियर. हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का मेथड जो है वो पढ़ा हुआ है. क्लियर है. तो उसी मेथड को हम यहां पर अप्लाई करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में. क्लियर. यहां पर मैं क्या करता हूं, इस रॉड का सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर करता हूं. गाइस देखिएगा, ये एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है जिसकी डिस्टेंस जो है वो यहां पर मैंने अज्यूम की है कुछ dx डिस्टेंस का एलिमेंट्री पार्ट जिस पर चार्ज की वैल्यू मैंने मान ली कुछ dq. ये इतना छोटा एलिमेंट्री पार्ट है जिसको आप एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं. क्लियर. और इस dx एलिमेंट्री पार्ट की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज से वो हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कुछ x. तो ये अजम्पशन आपको यहां पर करना पड़ेगा. क्लियर है. सबसे पहले मैं पूरी रॉड की वजह से क्लियर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, उस पॉइंट चार्ज पर ध्यान रखिएगा. हम पहले फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज स्मॉल q और एक एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द रॉड डी एक्स के बीच में. क्लियर. तो अब इस dx वाले एलिमेंट्री पार्ट को भी मैं एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में मान लू, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x. तो यहां पर एलिमेंट्री फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे गाइस. एलिमेंट्री फोर्स, क्लियर, df, इसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री फोर्स. df का मतलब एक तरह से स्मॉल फोर्स हो गया बिटवीन q एंड dx. क्लियर. इसकी वैल्यू हो जाएगी देखिए k q dq बाय x स्क्वायर. आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी. क्लियर. एक चार्ज हो गया q, दूसरा हो गया dq. नाउ अब यहां पर ध्यान देने वाली दूसरी चीज जो ये है कि dq की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है. क्लियर है. आपको देखिए इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको dq की वैल्यू कहीं गिवन नहीं होगी. जो वैल्यू हमें चार्ज की दे रखी है वो है कैपिटल Q, जो कि पूरी रॉड का चार्ज है. क्लियर. तो यहां पर हमें अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका dq है इस dq की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा हमें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q. क्लियर. देखिए वो कैसे करेंगे, यहां पर सिंपल है, बहुत ही एलिमेंट्री मेथड फॉलो करेंगे. यहां पर कैसे, एल लेंथ की रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल Q, तो यूनिट लेंथ की रॉड पर चार्ज रहेगा आपका क्यू बाय एल. देयरफॉर dx लेंथ की रॉड पर चार्ज होगा q by l into dx. I hope you get my point. Clear? dx लेंथ की रॉड पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी q by l into dx. आगे चलकर हम देखेंगे कि यहां पर इस q by l को हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, लैम्डा टर्म से, विच इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. वो हमारे कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा गाइस, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो यहां पर जो आपके dq की वैल्यू है ये हो जाएगी q by l into dx. क्लियर है. ये आपके q की टर्म्स में dq की वैल्यू आ गई, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं df की टर्म्स में. देयरफॉर df यहां पर हो जाएगा हमारा, देखिए df की वैल्यू हो जाएगी k q कैपिटल q by x स्क्वायर into l into dx. क्लियर है. ये चीज समझ में आ रही है आपको, df की वैल्यू हो जाएगी k q q by x स्क्वायर l into dx. चलिए तो ये एलिमेंट्री फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में dx और q की वजह से, q के बीच में एलिमेंट्री फोर्स की वैल्यू आ गई. तो क्या टोटल फोर्स अब कैलकुलेट किया जा सकता है इस पूरी रॉड और इस पॉइंट चार्ज q के बीच में. क्लियर. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अप्रोच जो फॉलो करनी है वो है यहां पर इंटीग्रेशन की. सिंपल. क्लियर है. एलिमेंट्री फोर्स df की वैल्यू आ गई है तो टोटल f कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं इसे रब करके आगे सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज हमारे पास में थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन है ब्लैक बोर्ड का. चलिए तो यहां पर आपको टोटल फोर्स बिटवीन
क्यू एन कैपिटल क्यू ऑफ लेंथ एल, उसकी वैल्यू के लिए आपको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन अप्रोच के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर एल इंटू डी एक्स। क्लियर है गाइस? तो यहां पर अब ये इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और इसी के साथ में लिमिट पुट करेंगे तो एफ की लिमिट तो हो जाएगी फ्रॉम जीरो टू एफ। और यहां पर देखिए लिमिट ध्यान रखने वाली चीज है, यहां पर लिमिट कैसे रखेंगे हम, सबसे पहले देखिए यहां पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट में हो रहा है dx के, x के रेस्पेक्ट में, वेयर x इज व्हाट डिस्टेंस, जो हमने ठीक है डायग्राम के अंदर अस्यूम करके रखी है, x हमारी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट भी मुझे यहां पर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पुट करनी पड़ेगी। वो लिमिट क्या आएगी, देखिए q और जो पूरी रॉड है आपकी l लेंथ की, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो डिस्टेंस वेरी कर रही है फ्रॉम डी टू डी प्लस एल। डायग्राम में आई होप आपको समझ में आएगा, अगर आप दोबारा से डायग्राम की तरफ जाएंगे तो जो क्यू और लेंथ रॉड एल लेंथ की जो रॉड है डी से लेकर के डी प्लस एल तक इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रही है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर ये जो आपकी लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी डी टू डी प्लस एल। चलिए अब उसके बाद में कुछ नहीं है, सिंपल यहां पर इंटीग्रेशन करना है, डी एफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ के क्यू कैपिटल क्यू बाय एल, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी टर्म, अंदर आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट हो जाएगी डी फ्रॉम डी टू डी प्लस एल। इसका सिंपल इंटीग्रेशन होगा गाइस देखिए कुछ इस तरह से, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू कैपिटल क्यू बाय एल 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1 बाय एक्स फ्रॉम डी टू डी प्लस एल। क्लियर है? ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर सिंपल आपको लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करके आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो कि हो जाएगा हमारे यहाँ पर माइनस ऑफ 1 अपॉन डी प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1 बाय डी। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक तो ये स्टेप्स तो आपके लिए इजी होंगे, आप कर पाएंगे इसे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा गाइज, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, डी प्लस एल माइनस डी अपॉन डी प्लस एल इंटू डी। क्लियर है? प्लस डी माइनस डी एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी प्लस एल इंटू डी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा गाइस। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन अप्रोचेबल लगे होंगे और काफी इफेक्टिव लगे होंगे। इसी तरह से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके सो प्लीज थैंक यू एंड प्लीज रिमेंबर करें।